हे गाइस, मेरा नाम है सत्य और आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए टॉप 5 इम्प्रेसिवली रियलिस्टिक मूवीज अबाउट स्पेस लेके आया हूँ। भाई मूवी बहुत ही बढ़िया, अगर आप इन सारे मूवी को देखना शुरुआत कर देते हो तो आपको कुछ की जगह में ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली में रियलिटी में हो रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि ये एक्चुअली रियलिटी में भी हो रहा है। तो ये टॉप 5 इम्प्रेसिवली रियलिस्टिक मूवीज अबाउट स्पेस को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। नंबर 5 में है अपोलो 13, और ये मूवी को 1995 को रिलीज किया गया था, और ये मूवी 9 बार ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है, और ये बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट साउंड में ऑस्कर अवार्ड जीता है। मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, 3 बार मून में लैंडिंग का मिशन है। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम लैंडिंग में कुछ दिक्कत नहीं आता है, लेकिन तीसरी बार में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और वो प्रॉब्लम क्या है अगर आप जानना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। ये मूवी को अगर आप सारे लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लेना। नंबर 4 है ग्रेविटी, और इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया। भाई साहब, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे गूज बम आ गए थे इस मूवी को देख के। और ये मूवी 7 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो आप सोचिए ये मूवी 7 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है तो ये मूवी कितना अच्छा होगा। मूवी में कमाल की वीएफएक्स है और कमाल की स्टोरी लाइन है, तो अगर आप इस मूवी को अंत तक देखोगे तो आपको लगेगा कि लास्ट में ये होने वाला है, लेकिन लास्ट आ जाने के बाद स्टोरी एकदम से पलट ही जाएगा। आप कुछ सोच रहे होंगे लेकिन कुछ और होगा, लिटरली सच बताओ मेरे गूज़बम आ गए थे। तीसरा नंबर पर है द मार्टिन, और ये मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखो। भाई एक बंदा मार्स प्लैनेट में 2.5 साल तक फंस जाता है, मूवी इतना अच्छा होने के साथ ऊपर से मार्क डेमन की कमाल की एक्टिंग, माँ कसम मजा ही आ गया इस मूवी को देख के। एक बंदा मार्स प्लैनेट में 2.5 साल तक फंस जाता है, वो क्या खा के सर्वाइव करता है और वो कैसे सर्वाइव करता है और उसे वहां से कैसे निकालते हैं, अगर ये सारी चीज आप जानना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। दूसरे नंबर पे है द मून, और ये मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। एक इंसान मून में 3 साल तक खदान करता है, और वो खदान को कंप्लीट कर देने के बाद आखिरकार वो ये सोचता है कि आखिरकार मैं अपने फैमिली को देखने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन अंत में उसको पता चलता है कि आखिरकार वो एक इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। तो आप अपने आप को उसके जगह में सोच के रखिए, आपको कैसा फील होगा। मैं लिटरली बोलूं तो मूवी बहुत ही अच्छा है, तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। नंबर 1 पे है इंटरस्टेलर, और इस मूवी को 2014 को रिलीज किया गया था। स्पेस एडवेंचर मूवी अगर आप सबको पसंद है, ऊपर से टाइम ट्रेवल को भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप सबके लिए पेश है इंटरस्टेलर। भाई आइंस्टाइन की टाइम ट्रेवल के ऊपर टाइम डायलेंस के थ्योरी को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर देखना। मूवी में कमाल का वीएफएक्स वर्क किया गया है। फेवरेट सीन है हो ब्लैक होल वाला सीन। ब्लैक होल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये मूवी जब रिलीज हुआ था उस टाइम में साइंटिस्ट को पता भी नहीं था कि आखिरकार ब्लैक होल किस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन साइंटिस्ट के थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल को मूवी में एक्सप्लेन करके बताया गया, और उसके बाद रियलिटी में जब ब्लैक होल का एक्चुअल तस्वीर लिया गया तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मूवी में जिस प्रकार से ब्लैक होल दिखाई देता है एक्चुअल रियलिटी में भी उस प्रकार से ब्लैक होल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉप 5 इम्प्रेसिवली रियलिस्टिक मूवीज अबाउट स्पेस। तो अगर ये सारे मूवी आप सारे लोग देख चुके हैं तो नीचे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, टिल देन बाय।